लाइन ऑर्डर बहुत ख़राब है पूरे उत्तर प्रदेश में। अपराध जैसी घटनाएँ लगातार बढ़ी हैं अलीगढ़ से लेकर प्रदेश में। और देखिए सही है, इससे सरकार का इकबाल नहीं है, सरकारें हमेशा इकबाल से चलती हैं। अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है, नौकरशाही पर छोड़ दिया है, इसकी वजह से देखिए भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है और मनमानी हो रही है। समाज जो है हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के तरफ से हम संगठन तैयार कर ही रहे और संगठन करके मजबूत प्रत्याशी उतारना है और अपने कम से कम हमारे 100 प्रत्याशी जीतना चाहिए। हमारे बिना किसी के साथ नहीं बनेगी। ओ भाई साहब ने थोड़ा अध्यक्ष जी को आ जाते हैं यार। समर्पण और कर्तव्य निष्ठ का दूसरा नाम है शिवपाल सिंह यादव, जिनकी भुजाओं पर कई बार सत्ता के गलियारों तक पहुंचे बड़े भाई के लिए समर्पित आपने पूरा जीवन कर दिया। और उसके बाद अभी चुनाव से पहले सॉरिटू से आपको दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया, इसके लिए आपके बहुत सारे दिल में जख्म हैं। तो अब अखिलेश यादव जी का मैंने इंटरव्यू देखा था एक नेशनल चैनल पर, वो कह रहे हैं कि शिवपाल यादव जी मुझसे मिलने नहीं आ रहे और आप कह रहे थे कि मैं समय ले रहा हूँ, वो समय नहीं दे रहे। इस पर थोड़ा सा विस्तार से बता दें तो सर आपके जो फॉलोवर्स हैं जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के उनका मनोबल बढ़ाएगा। देखिए ये बात बहुत पुरानी आप तो हो गई है, आप जब वो समय देंगे और जब हमसे बात करेंगे हम बात करने के लिए तैयार हैं। और देखिए ये तो राजनीतिक सफ़र है, अब राजनीतिक सफ़र में कौन किसके साथ रहता, बीच में बहुत लोग आते हैं बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन जो भी इस सफ़र में डटा रहता है जनता के बीच में, जनता का संघर्ष करता है और संघर्ष के बल पर ही हमेशा हम सत्ता में रहे हैं, नेताजी को भी हम सत्ता में लाए हैं, तो हमें तो संघर्ष पर भरोसा है और संघर्ष करके ही फिर से हम सत्ता में आना चाहते हैं। तो बीजेपी के नेता भी आपके संपर्क में बातचीत कर रहे हैं किसी बात को लेकर, कुछ ऐसा है? देखिए वैसे तो अभी कोई बातचीत नहीं है और पॉलिटिकल लोगों में तो जहाँ भी मिल जाते हैं जैसे फंक्शन में मिल जाते हैं। अभी हम आए थे यहाँ पर कल्याण सिंह जी के कंडोलेंस में हम आए थे, तो इसके मतलब ये थोड़े हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से मिल गई। और ये देखिए सौभाग्य की बात होती है अगर कहीं पर भी कोई सत्ता पक्ष में है या सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री से, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री या मंत्री किसी दल का नहीं होता है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का मुख्यमंत्री होता है सफल लेने के बाद। और ये दृश्य समाज के लिए और देश के लिए अगर कहीं पर भी विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री से मिले मंत्री से मिले तो ये तो दृश्य बहुत अच्छा माना जाना चाहिए। देखिए हमने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए समान विचारधारा के लोग सेकुलर लोग एक हो जाए, आप ले आए कि वहाँ हो सकते हम हटाने वाली बात कर रहे हैं।
सर, पिछले बार आप चाचा भतीजे की जो जोड़ी थी, जो टिकाव था, उसकी वजह से सर हम लोग हार गए, यानी हम लोग इसमें समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। सर अगर इस बार भी अगर अलग अलग लड़े तो वही पुनरावृत्ति हो सकती है सर, तो इसको सर टिकाव को जोड़ने के लिए सर आपकी तरफ से आप भी बड़प्पन दिखाइए सर। आप वो भतीजे हैं, आपसे बहुत छोटे हैं, आप भी बड़प्पन दिखाइए सर। हमें तो 1.5-2 साल लगभग हो गया है जी, है? हमने तो ये अभी हमने जो कहा है जी, हमारी समाजवादी पार्टी पर प्राथमिकता है, तो ये तो समाजवादी पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए, ये तो उनको सोचना चाहिए, उनसे ये सवाल होना चाहिए। मैं तो तैयार हूँ सर। क्या उम्मीद है कि ये 2000 चुनाव से पहले आप चाचा भतीजे जो है रिश्ता है पारिवारिक, हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत मामला आपका, जब बातचीतें हो जाएगी, जब कोई अलायंस की बात हो जाएगी जी, तो आपको पता हो जाएगा। अध्यक्ष जी, यूपी की कानून थोड़ा समय है जी, अध्यक्ष जी कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से हत्याएं रेप के मामले बढ़े हैं, क्या देखिए लाइन ऑर्डर बहुत खराब है पूरे उत्तर प्रदेश का, अपराध जैसी घटनाएं लगातार बढ़ी हैं अलीगढ़ से लेकर प्रदेश में, और देखिए सही में से सरकार का इकबाल नहीं है, सरकारें हमेशा इकबाल से चलती हैं, अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है, नौकरशाही पर छोड़ दिया है, इसकी वजह से देखिए भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है और मनमानी हो रही है, रेप जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, हत्याएं बढ़ी हैं, लूट डकैती खूब हो रही है, थाने में जाओ तो बिना रिश्वत के कहीं रिपोर्ट लिखी नहीं जाए, कहीं पर भी किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ सीधी रिश्वत। देखिए हम लोग जहाँ भी पहुँच जाते हैं जी, वैसे तो फंक्शन में आए हैं जी, और जहाँ भी हम लोग आ जाते हैं, पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं, तो पॉलिटिकल कार्यक्रम तो हो ही जाता है, तो आप लोग तो पॉलिटिकल बात नहीं पूछोगे, अब हम तो फिरोज के बुलाने पर आए हैं, यहाँ पर जो उनकी बेटी का बेटा वगैरह जो भी है इसमें आए हैं, तो अब आए हैं सभी पॉलिटिकल लोग आ गए जी, और सभी का निमंत्रण है तो हम सब लोग आ गए। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या इस संबंध में देखिए पार्टी चुनाव हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में संगठन तैयार हो गया है, और हमारे चुनाव की तैयारी भी चल रही है। सर क्या अलायंस गठबंधन करेंगे समाजवादी पार्टी से? सर हमारी प्राथमिकता है और हमारा प्रयास भी है जी। तो सर ये समाजवादी पार्टी छोड़ो, उसके साथ साथ हमारा प्रयास है जितने भी समाज विचारधारा वाली पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टी जितनी भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक साथ आ जाए तो बहुत आसानी होगी भारतीय जनता पार्टी को हटाने। और कौन सी पार्टी से सर आप मिलेंगे, कौन कौन सी पार्टी से सर, और इसके अलावा समाजवादी बातचीत हो जाएगी आपको बता दी, अभी किसी से बातचीत नहीं हुई, कोई पहल हुई है? अब ये बताने की आपको जरूरत नहीं, किसी से पहल भी नहीं हुई है अभी, अब ये भी नहीं बताएं सर। सर चर्चा है सर कि इस बार आप जसवंत नगर से चुनाव लड़ने के बजाय संभल गुन्नौर से लड़ रहे हैं, ये तो हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट वोट तय करेगा, वैसे तो हमारी सीट से रही है लगातार, जब से मैंने शुरुआत की है तब से लगातार 25 साल हो गए मुझे वहाँ से दिखाई रहते हुए। आप अखिलेश यादव सर जो बीमार हैं, आजम खान साहब, क्या उनके प्रति समाजवादी पार्टी का जो निष्ठुर रवैया है सर आप मानते हैं सर? ये तो समाजवादी वालों के आपके बहुत करीबी रहे सर, मैं व्यक्तिगत पूछ रहे आप भी तो रहे सर, आपके साथ भी तो रहे सर, अगर हमारी नई पार्टी है समाजवादी पार्टी,
हमने तो उनके पक्ष में हमेशा बोला है, तो हमेशा बोला है बदले की भावना से काम किया जा रहा है। उन्होंने देखे शिक्षा जगत में इतना बड़ा काम किया था, तो ये तो सब बदले की भावना से काम किया, अन्याय हो रहा है। अध्यक्ष जी, नेताजी से समझौते को लेकर डिस्कशन हो रहा है, जो राजनीतिक जो गतिविधियां जो चलने में सुनाई दे रही है? नेताजी के आशीर्वाद हमने पास लिया और आज भी नेताजी का आशीर्वाद आप उनकी बुझाए हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री तो बेटे हैं उनके, मौलाना तलीम जी को जो गिरफ्तार किया गया उसको क्या कहेंगे? क्या मौलाना तलीम जी को जो गिरफ्तार किया गया क्या कहेंगे? सब बदले की भावना से काम किया रहा जा रहा है, चुनाव आ रहा है, चुनाव की वजह से ये सब काम हो रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहते हैं 2024 के लिए? अब देखिए, हमारा यही अपील है कि सभी समाज हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के तरफ सब संगठन तैयार कर ही रहे और संगठन करके मजबूत प्रत्याशी उतारना है और अपने कम से कम हमारे 100 प्रत्याशी जीतना चाहिए। हमारे बिना किसी के साथ नहीं बनेगी। शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? रास्ता क्या था? नहीं दिया क्या? आप आइए Thank you.